प्रेस पाकिस्तानियों को पहले तो खुशामदीद कहता हूं, और जो हमारा लॉन्ग मार्च चल रही है, मैं जितने भी लोग आज हमारे लॉन्ग मार्च में तीन शहरों में निकले हुए हैं, मैं आज आप सबको भी सलाम करता हूं। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो जिधर मैं कल बात खत्म की थी उधर से ही शुरू करता हूं। आज जो रेटिंग आई है पाकिस्तान की, और ये रेटिंग बाहर से होती है, और वो रेटिंग ये होती है कि पाकिस्तान क्या अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकता है, इसको कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। तो आज जब आप सुबह जब देखें, आपको पता चलेगा कि कल 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पर पहुंच गई। यानी कि बाहर के लोग, बाहर के बैंक्स, बाहर के सरमायाकार, उनको अब यह बताया जा रहा है कि जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क, का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते, तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब यह है कि कोई भी बाहर के बैंक, कमर्शियल बैंक, पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमें अपने कर्जों की किस्तें देनी है डॉलर्स में। पाकिस्तान के पास डॉलर्स कम है और कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से आमदनी आनी थी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के जरिए, जो हम जब छोड़ के गए थे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी 32 अरब डॉलर पे, और जो रेमिटेंसेस आती है यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान डॉलर्स में, वो भी रिकॉर्ड था 31 अरब डॉलर पे। तो वो दोनों एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही है, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी नीचे आ रही है। तो आमदनी कम हो रही है, लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कर्जों की किस्त देने के लिए, अब हमें बाहर से कर्जे चाहिए क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। और जब वो पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान का खतरा यह है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट का मतलब क्या? मैं फिर कल भी मैंने बताया, मैं फिर आप सबको बताना चाहता हूं। डिफॉल्ट का मतलब जब है कि हम अब जब नहीं दे सकते अपने कर्जों की किस्तें, तो इसका मतलब कि सबसे पहले पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और लोग फौरी तौर पे लोग देखना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान का रुपया गिरेगा। तो जब पाकिस्तान का रुपया गिरेगा तो अभी से ही लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? अगर हम डॉलर खरीदना शुरू हो गए तो जिसने फैक्ट्रियां बनानी है, कारखाने बनाने हैं पाकिस्तान में लगाने हैं, जिससे नौकरियां मिलेंगी, दौलत में इजाफा होगा, तो वो रुक जाएगा कि वो समझेगा कि मैं अपने, और खासतौर पर बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, कि मैं अपने डॉलर पाकिस्तान के रुपए में क्यों बदलू जबकि रुपए ने गिरते जा रहे हैं। तो कारखाने से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? अगर मैं डॉलर ही रखूं तो वो डॉलर वैसे ऊपर जाता जाएगा। तो लिहाजा वो सरमायाकारी रुक जाती है, मुल्क के अंदर भी लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाते हैं बजाय वो पैसा सरमायाकारी पे लगाने के लिए। तो ये क्यों हमारे लिए लम्हा फिक्र है? क्योंकि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान अब उधर जा रहा है जिधर डिफॉल्ट होने की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरेगा फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो आगे ही महंगाई आज ज्यादा है, तो जब रुपया मजीद गिरेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी गुर्बत बढ़ जाएगी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब यह कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो एक तरफ मायशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ज़राअत में क्या हो रहा है।
जो हमारी आबादी है देहात की आबादी और तकरीबन हमारी एक तकरीबन आधी आबादी बिल्कुल ज़रात के ऊपर गुजारा करती है, तो मैं ये आज आपको जरा ज़रात की जो मैंने हुकूमत की एक कमेटी है फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, मैं जरा उसकी रिपोर्ट देना चाहता हूं कि उन्होंने अब क्या वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस साल जो कपास है वो 25% कम होगी, 25% कपास हमारी कम होगी, मकई 3% कम होगी, गन्ना 8% कम होगा, जो फिर हमारे लिए एक आगे फिक्र की चीज है वो ये कि चावल 40% कम होंगे या अगले साल चावल 40% कम होंगे, मिर्चें 54% कम होंगी। और ये है हमारी अपनी गवर्नमेंट की फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। अब ये क्यों हुआ है, ये क्यों कम हो रही है, ये इसलिए कम हो रही हैं कि अब जरा आपको मैं कीमतें बताऊं कि ट्रैक्टर की पिछले 5 महीने में जो ट्रैक्टर की सेल है वो 45% कम हो गई है, और फिर जो डीएपी है डैप है जो कि खाद है एक वो 75% कम हो गई है, यूरिया खाद 8% कम हो गई है, पोटाश खाद 85% कम हो गई है, डीजल जो लोग किसान खर्च करता था 22% कम हो गया। ये क्यों हुआ है, इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो किसान इस्तेमाल करता है जो चीजें जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है यूरिया डीजल खादें उन सारों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं हमारा इस वक्त ज़राअत के अंदर ये जो मैंने फसलें बताई हैं ये सारी इनकी जो पैदावार है वो कम हो गई है, और ये ज़राअत का हाल है। दूसरा इंडस्ट्री, हमारा हम जब छोड़ के गए थे तारीखी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी 27%, आज वो गिर के आ गई है 7 महीने के बाद 1% पे। तो जब इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है ज़राअत भी नीचे आ रहा है तो दौलत में तो इजाफा हो नहीं रहा पाकिस्तान के, बल्कि दौलत कम होती जा रही है, और जब दौलत कम होती जाएगी तो कर्जों की किस्तें किधर से वापस करनी है। अब ये सोचना, एक घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, घर वो कर्जे कैसे उतारेगा, आमदनी बढ़ा के उतारेगा। जब वो घर के सारे लोग मिलकर अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करेंगे तो वो इजाफा ही आमदनी के जरिए वो कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, तो अगर घर की आमदनी कम हो जाए वो कैसे कर्जे वापस करेगा, और जब वो कर्जे वापस नहीं करेगा दुनिया कर्जे नहीं देगी, दुनिया कर्जे नहीं देगी तो हमारा सबसे बड़ा जो फिर से मैं कह रहा हूं खतरा है, रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा, जो हुआ है इनके दौर में रुपया तारीखी गिरा है, तो रुपया जब गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, तेल डीजल बिजली ये सब, जब रुपया नीचे जाएगा ये महंगे हो जाएंगे, और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी गुर्बत बढ़ती जाएगी। तो पहले ज़राअत का मैंने आपको बताया, मैंने इंडस्ट्री का बताया आपको कि वो नीचे आ गई है, उसका मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है महंगाई भी बढ़ रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। अब अमूमन तो हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए, हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बहरान आ रहा है ये जो आगे तबाही आ रही है हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हों। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के, और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। आप तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं, कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, वो सिर्फ वो होता है कि एक इनकी जो चैनल है जियो उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है
वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बर्तानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं, और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये जो अब आजादी सहाफत के नाम पर ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं इनकी ये एजेंडों पर काम करते हैं, ये वो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं। और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जाम लगाए। लेकिन कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके, और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि FIA के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, उसके केस वो आराम से अपने ऊपर FIA का अपना आदमी बैठा के वो केस खत्म, नैब का अपना आदमी बैठा के 8 अरब रुपए के नैब के केस थे जो TT केस थे जो जाली नाम पे इन्होंने पैसा मंगवाया था पाकिस्तान, वो अपना आदमी बैठ के अब वो केस खत्म होगा, जरदारी के केस वो खत्म होंगे, ओमनी ग्रुप जिसने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की थी, मतलब यह कि उन्होंने ओमनी ग्रुप जो जरदारी के साथ है उन्होंने कहा कि हां हमने करप्शन किया है और 9 अरब रुपए हम वापस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो नए कानून बनाए हैं अब यह हो सकता है कि वो 9 अरब रुपया गवर्नमेंट को वापस करना पड़े उनको, क्योंकि उन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए सारों को अपने आप को बचा लिया। और वो जो एवंस फील्ड है जो पैनामा के पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ था कि लंदन के बड़े बड़े 4 महलात मरियम के नाम पे हैं, तो वो भी अब सारा केस खत्म हो गया है। और वो जो हसन शरीफ है जो 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में 1 हाइड पार्क में है, उसके ऊपर भी अब कोई नहीं पूछेगा। और ये इनका असल में आने का मकसद था अपने केस खत्म करने के लिए। और दूसरी चीज कि ये फिर बलून छोड़ते हैं कि जी देखें उसके तोशा खाना हो गया और फॉरेन फंडिंग हो गई और मीडिया इनके साथ मिलकर उसको उठाता है। इनका मीडिया कभी ये बात नहीं करेगा, ये जो मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ रहा है, 1100 अरब रुपए के अपने केस माफ करवा रहे हैं, और इसीलिए ये आए थे, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, 5% थी पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क, यानी जब हम थे मार्च के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो पाकिस्तान अपने कर्जों पे कितना डिफॉल्ट करता है वो 5% थी, आज 80% है इनके आने से 80%। अब जब चांस आ गई तो मैंने आपको बता दिया है कि ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान का अब दिवालिया निकलने लगा है। मैंने एक समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले, मैंने पेशन गोई की थी, मैंने सभी इब्राहिम के प्रोग्राम में पेशन गोई की थी कि इनसे मायशत नहीं संभाली जाएगी, ये मायशत नीचे जाएगी, हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये पहले ही दिवालिया निकाला हुआ पाकिस्तान 2018 में पहले ये छोड़ के गए थे, जब ये 99 में गया था नवाज शरीफ तब फिर दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का, तो इन्होंने तो कभी भी ठीक नहीं किया, इन्होंने तो तबाह करके गए हैं, तो अब इन्होंने आगे कैसे ठीक करना था। तो मैंने तब यह कहा था कि मुल्क उस उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज कही थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, मुल्क की सलामती है, वो दांव पे लगेगी, क्योंकि जो लोग हमें निकालेंगे इससे डिफॉल्ट से, मैं आज आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं 3.5 साल इक्तदार में रह चुका हूं और मैं उनको वैसे भी जानता हूं, उन लोगों को जिन्होंने जिनके पास हम जाएंगे हाथ फैला के कि जी अब हमें हमारी मदद करें हमें निकालें इसमें से, मैं आज आपको कह रहा हूं उन्होंने एक चीज डिमांड करनी है, और जब वो डिमांड करेंगे इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए मैंने 6 महीने पहले कहा था, और जब मैंने ये कहा इन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर गद्दारी के केस बनना चाहिए, और आज वो हम उधर आके खड़े हो गए। मुझे एक और खौफ है, मुझे खौफ ये है कि इन्होंने मुल्क से भाग जाना है, केसेस अपने माफ करवा के
معیشت سے سنبھالی نہیں جانی, انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے. اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں, اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں, اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمیں ہمارے اوپر کیسز, یہ جو قاتلانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اپنے کیسز ختم کیے جائیں. اور یہ اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں, آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں, صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے, جو ہمیں تحفظ دے, جو ہمیں بچائے. تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے, یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی, اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں, ہم کسی طرح اس کو بچا لیں. سو میں نے آپ جب میں پرائم منسٹر بنا تھا, میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا, میں نے آپ یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں, یہ اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا, ان کو این آر او نہیں دینا پڑے گا. 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی. آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے, قوم کے سامنے. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا, انڈسٹری بند ہو گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی, یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ان کے کیسز ختم ہوں, اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا, وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں, انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی فیکٹریوں کے لیے, اپنی چوری کے لیے, اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے, پھر یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہماری مارچ ہے, یہ صرف یہ ہے, قوم بتانا چاہتی ہے, قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے, قوم اب ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتی, قوم ان کے ساتھ متحد ہے. الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. 37 الیکشنز بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف, جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی, ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, اس کے باوجود یہ ہارے ہیں. کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی, اس کے پیچھے کیا ہے, یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو آپ, کیسز ڈسکوالیفیکیشن, دہشت گردی کا کیس, یہ جو مرضی کر لیں, ان کو پتا ہے کہ یہ آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی, یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے, اور میں نے 3 کے نام دے چکا ہوں, جس میں شہباز شریف, یہ جو ہے رانا ثناء اللہ, دونوں ماڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کروایا تھا, ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے. اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی ضرورت نہ ہوتی آگے یہ کرنے کی. اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو 4 گواہ رمضان شوگر مل میں, یہ جو ایف آئی اے کے کیس میں, 16 ارب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رضوان گیا, اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتے ساتھ ہی
ये सारा इनका केस ही खत्म हो गया क्योंकि सारे गवाही खत्म हो गए और वो इन्वेस्टिगेटर भी मर गया। तो इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने ये जो मेरे ऊपर वारदात की ये हिस्ट्री है, और ये जो फैसल था ये बिल्कुल इनके साथ मिला हुआ था। और मैं इंशाल्लाह ये चीफ जस्टिस से डिमांड करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अब सिर्फ चीफ जस्टिस के नीचे हो सकती है, ये साबित होगा कि ये तीनों ने मिलकर ये प्लान किया था मेरे ऊपर, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये इमरान खान रास्ते में खड़ा है, एनआरओ ये नहीं देता, ये हमें ये हमारी करप्शन के ऊपर पीछे नहीं हटेगा, तो इसलिए इसको रास्ते से हटाया जाए। तो कौम को आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये है फैसला कुल मरहला इस कौम का। ये जो हमारी मार्च है, ये जो वक्त है पाकिस्तान में, अंग्रेजी में इसको डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं। हमारी तारीख के अंदर ये वो वक्त आ गया कि हम अपने मुल्क का रास्ता बदल सकते हैं। अगर कौम जब खड़ी हो जाती है, जब कौम फैसला कर लेती है कि हम ना इंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कौम अपने आप को आजाद कर देती है। और अल्लाह ने इसी को इसको जहाद कहा हुआ है कि जुल्म और ना इंसाफी के ऊपर उसका हुक्म है हमें कि आप खड़े हों इसके खिलाफ, इस जुल्म जालिम और जुल्म खौफ के बुत के सामने ना झुको, खड़ा हो उसके सामने, और तब अल्लाह कौमों को आजाद करता है। कभी भी वो कौम जो ना इंसाफी को बर्दाश्त कर लेती है और इस तरह के चोरों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती है, कभी उस कौम को कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो मकरूज ही रहती है, वो हमेशा गरीब ही रहती है, वो कौम उसका कभी परवाज ऊपर नहीं जाती। और हमारा मुल्क तो बड़ा एक अजीम ख्वाब का नाम था, हमारा वो ख्वाब था जो हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनानी थी मदीना के तर्ज के ऊपर, और हमने वो असूलों पे खड़ा करना था जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था, और हम उसी असूल से बहुत दूर चले गए हैं, और उसी वजह से आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो इसलिए ये जो मार्च है, हकीकी आजादी की मार्च, ये दरअसल हम अपने आप को इंसाफ के जरिए आजाद करना चाहते हैं। ये जो ताकतवर है जो कानून के ऊपर चला जाता है, वो समझता है कि उसके नीचे कानून ही नहीं है। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका क्योंकि वो ताकतवर है। तो अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, कातलाना हमला उसके ऊपर होता है, अगर वो FIR नहीं दर्ज करवा सकता, तो इस अवाम सारी अवाम से मैं पूछता हूं, आपके हाथ में क्या है? इसका मतलब कि जब अवाम ताकतवर के सामने आएगी तो वो तो कभी जीत सकती नहीं है क्योंकि इंसाफ ही नहीं है। तो ये जो आप निकल रहे हैं, पहले तो मैं फिर से आप सबको सलाम करता हूं, लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब जद्दोजहद करते हैं आप इंसाफ के लिए, ये फिर इसकी पीछे नहीं हम मुड़ के देखते, हम अपनी किश्तियां जला के जद्दोजहद करते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं, और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है, और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है, क्योंकि मेरी कौम जागी हुई है आज, ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। और इंशाल्लाह वो जब अवाम जब निकल आती है, जब अवाम में शऊर आ जाता है, तो फिर उस अवाम को कोई किसी किस्म का जालिम उसके बाद उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, जब वो अवाम अपने हुकूक के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो मैं अब सबसे इंशाल्लाह आज उम्मीद लगाता हूं कि आप सब ने इंशाल्लाह पिंडी पहुंचना, जब मैं आपको दिन दूंगा जिस दिन मैं वहां पहुंचूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।